Sons, what are you waiting for? Take up the folding challenge. क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन ही नहीं होती थी. सच्ची बोल रहा हूँ. तो कपड़े जो होते थे ज़्यादातर वॉशिंग मशीन होती ही नहीं थी. वॉशिंग मशीन खरीदना एक एक होता ना, एक एम्बिशन होता था, एक ड्रीम होती थी हर एक वाइफ की, एक मदर की, कि यार एक मेरे घर में भी एक वॉशिंग मशीन हो. तो कितने सालों तक तो मैंने वॉशिंग मशीन ही देखी थी. मैं किसी के घर जाता था, किसी के, मैं जब रेस्टरूम में जाता था, बाथरूम में जाता था, जो मेरे पारिवारिक संबंधी थे उनके पास वॉशिंग मशीन होती थी. तो जब मैं उनके बाथरूम में जाता था और टॉयलेट में जाता था और वॉशिंग मशीन देखता था तो घूरते रह जाता था, अरे यार क्या वॉशिंग मशीन है ये, वॉशिंग मशीन मेरे घर में कब आएगी. तो मम्मी जो है मेरी कपड़े हाथ से ही धोती थी. तो हमें तो, मुझे तो सिर्फ वही विजुअल है. तो आज मम्मी का विजुअल दोबारा होता है और वॉशिंग मशीन के बारे में आज मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है आपसे. अनिल सर, आपने फिर सॉर्ट नहीं किया होगा तो हम चाहते पर वहाँ उस वक्त तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. हाँ, क्योंकि कपड़े अपने आप नजर आ जाते थे, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, तो उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता. तो उस टाइम कपड़े हमारे परफेक्ट एकदम सफेद हो जाते थे. मगर अभी बड़ा sorting is very चीजें फास्ट भी हो गई हैं. We have to, you know, reinvent ourselves. Yes. We have to go with the washing machine and we have to sort out the clothes. So we have to see how good you are at sorting. I am terrific. I am fantastic. Come on, let's see you do this. We'll just check that out. Let's show you. मैं जो चीज़ पकड़ ले लेता हूँ हाथ में, उसे full जोश में करता हूँ. आप लोग भी करते हैं कि नहीं? देखिए मैं मुझे तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो यू नो वॉशिंग मशीन देखना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि घर में हमारे वॉशिंग मशीन नहीं थी. जब मुझे मेरे जब मैं स्कूल में था, स्कूल तक तो मैंने वॉशिंग मशीन नहीं थी. तो मेरे ख्याल से जब मैं जब चंबूर तिलक नगर में था वहाँ तो वॉशिंग मशीन नहीं थी. शायद मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साइन में गए, साइन कोलीवाड़ा में रहने गए, तो जब शायद वॉशिंग मशीन हम लोगों ने खरीदी थी उस वक्त पहली बार. मगर मैं कभी अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के घर जाता था, तो वहाँ जब मैं वॉशिंग मशीन देखता तो बहुत ही, तो मेरा जो मेमोरी है कपड़े धोने का वो तो यही है कि कपड़े जो हैं वो या तो यू नो जगहें होती थी वो जो यू नो जहाँ नहाते थे वहीं कपड़े धोते थे. तो बाल्टी में कपड़े जा रहे हैं और कपड़े जो हम लोग जहाँ रहते थे, जो बैल्कनी होती थी, लंबी सी बैल्कनी होती, वहाँ सारे धागे लटके रहते थे और वो रस्से रहते थे, तो कपड़े वहाँ सुखाए जाते थे. कुछ घर में भी कपड़े सुखाए जाते थे, किचन में कपड़े सुखाए जाते थे. तो मेरे लिए तो बचपन का विजुअल वही रहा है कि मम्मी जो है वो कपड़े धो रही है और यू नो और हम सब ये सारा विजुअल होता था. एंड उसके बाद फिर ये सब वॉशिंग मशीन वगैरह आई तो बड़ी खुशी हुई वॉशिंग मशीन को देखकर. अनिल जी, मैं आस्क यू, आपने इंडियाज मोस्ट वांटेड देखी अर्जुन की, प्रॉब्ली इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत तारीफ. देशभक्ति, इस वक्त मैं यू नो मैं यहाँ आया हूँ तो यू नो मेरे ख्याल से हम इसी मूवमेंट के लिए बात करें तो बेहतर रहेगा. सर, इसके अलावा सर, आपने कल किरण के वेरी प्राउड फादर एंड सोनम टुमारो विल बी वॉकिंग द कांस वंस अगेन एंड मेकिंग इंडिया प्राउड. यू सी सोनम का ये भी, मैं सोनम के बारे में, वो तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ों में तो शी इज़ ऑलवेज मेड मी प्राउड यू नो सोनम एंड यू नो, बट मोर देन थिंग इज दैट शी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज शेयर्ड द लोड एट होम इन एवरीथिंग व्हाटएवर शी हैज़ डन. एंड नाउ शी इज़ गॉट मैरिड टू आनंद एंड समवेयर व्हेन आई सी आनंद शेयरिंग द लोड नॉट ओनली प्रोफेशनली बट इवन इन हाउस होल्ड मैटर्स, पर्सनल मैटर्स. So it makes me very, very proud. अच्छा सर, आपके वीडियोस नॉर्मली वायरल होते हैं, कल आपने पोस्ट किया था किरण खेर मैम के लिए, वोटिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए मैं अपने मैं क्या रहा, मैं दोस्त आदमी हूँ. मैं दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने दोस्त के लिए जो कुछ, किसी के साथ कुछ रिश्ता हो, कोई मैं किसी चीज़ के साथ जब जुड़ जाता हूँ, जैसे कि मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, इसी तरह मुझे लगता है किसी, जो भी मेरे रिश्ते हुए हैं, चाहे जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ चाहे वो काम में हो, डायरेक्टर्स उनके साथ 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 आठ आठ फिल्में की हैं, जो मेरे साथ मेरे जो 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 मेरे साथ वाहन चालक हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो मेरा मेकअप करते हैं, जो मेरे फिल्में करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से, और मैं ये सब चीज़ों निभाने में यू नो बिलीव करता हूँ. तो कहीं ना कहीं जो भी आपने वीडियोज़ देखे हैं, जो मैंने दोस्तों के लिए किए हैं, वो दिल से किए हैं मैंने, कहीं उसमें कोई भी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, दिल से है, मोहब्बत से है और पैशन से है, जिसके लिए भी मैंने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी मैं फ्यूचर में भी करूँगा,
दोस्त के लिए, कहीं मुझे ऐसा लगे कोई सिंसियरली काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ हो, तो मैं उसके साथ डेफिनेटली जुड़ूंगा 100%. I was with my doctor in Munich, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट मैंने कुछ एक डेढ़ साल पहले ली थी, और उनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी, वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो मेरे शोल्डर में, जैसे कि सबको पता है कि आई हैड दिस कैल्सिफिकेशन ऑफ माई शोल्डर, एंड आई हैड एग्जैक्टली उसी दिन मेरी पाँच दिन की अपॉइंटमेंट होती है, चार दिन की, तो सुनीता और मैं दोनों वहाँ थे, तो हमें वो अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग म्यूनिक में थे इसलिए, मगर हमने वो वहाँ एम्बेसी में भी कोशिश की, मगर वहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम वहाँ जाकर वोट कर सकें. तो मुझे लगता है फ्यूचर में हम सबको ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई सिलसिले में जो कुछ लोग हैं जो कभी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि डेट जो इलेक्शन की फ़िक्स होती है वो काफ़ी वो एक साल डेढ़ साल पहले नहीं होती, हो रहा ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पहले से कंफर्म होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ भी हम हों उस एम्बेसी में जाके हम अपना वोट दे सकें. आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड. आई थैंक यू वेल, इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर एंड मीट ऑल ऑफ यू ऑल ओवर हियर. थैंक यू सो मच. हेलो, नमस्कार, कशा काय जोरात, मजे में एकदम, कपड़े धोने के लिए रेडी है आप लोग? बिल्कुल, बहुत जरूरी है कपड़ा धोना भैया, कपड़े आप लोग धोने, इफ यू डोंट वॉश क्लोथ्स यू विल नॉट गेट गुड वाइव्स एंड गुड गर्लफ्रेंड्स. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. गंदे कपड़ों में लड़कियां इंप्रेस नहीं होती, एब्सोल्युटली समझ लो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेल, यू नो, आई हैव बीन अ बिग 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 फैन ऑफ दिस मूवमेंट, आई शेयर द लोर एंड हैव सीन ऑल द फिल्म्स एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट दिस इज द वे इट्स बीन, यू नो, इट्स कॉट ऑन, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड अगेन आई से इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी द फ्रेंड ऑफ द ब्रांड एंड जॉइन यू in this movement of share the love. I feel I have believed in not only equality when I was a son, equality when I, you know, was a boyfriend to my girlfriend who became my wife and then became the mother of my children, and now my children, Sonam, Riya and Harsh, all three of them, and fortunately for me that even Sonam has got married to Anand, who, you know, who absolutely believes in that, and I'm so, so happy, I'm so relieved, and, you know, that somewhere that I'm sure Anand's mother, Priya, has, you know, somewhere has inculcated this, you know, that they, that he is going to share the responsibility of Sonam, not only professionally, but even, you know, within the house, even in the house, doing household chores, absolutely. And I've, you know, it's not that I'm just not saying, and I've seen it with my own eyes, I've felt it. And Sonam keeps on speaking about Anand, and that as if she's, you know, really honestly been so fortunate to have a you know, husband like Anand, and me having a son-in-law like Anand. And I, and that's what we have tried to do with my son also, Harsh. And you know, and obviously both me and Sunita keep on encouraging him, and sometimes, you know, in a way, sometimes you have to shout at him also, you know, in a loving way, so that you know, when he gets married, he also shares the load with his wife. Sometimes boys just need to be told, Anil sir, so tell these boys, doing household chores is not only a woman's job. Absolutely. Aap log samajh rahe ki nahi, ki angrezi mein bolu, hindi mein bolu? बोलो क्या बोल रहा है, हिंदी में अंग्रेजी में? हिंदी में. देखो भैया, अगर अच्छा अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, और अपने माँ बाप को खुश रहना चाहते हैं, आप लोग कामयाब होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और ये चाहते हो कि ज़िंदगी भर खुश रहे, खुश रहो सारी ज़िंदगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों को, जो भी आपके बच्चे होंगे, अपनी वीवी, उनके साथ शेयर द लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो घर पर. घर पर शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग ये सुन रहे कि नहीं, ये सीटी कम मार, ये बहुत ज़रूरी है. क्या है कि अब घर पे अगर हम लोग मदद करेंगे कपड़े धोने में, यू नो, कुछ चीज़ों में, इतनी चीज़ें हम लोग जो खुद कर सकते हैं, हम बच्चे खुद कर सकते हैं, अपनी मम्मी की सहायता कर सकते हैं अपनी, और अभी से ही आप लोग करेंगे तो आपको बाद में क्या होगा, सडनली एक माइंडसेट चेंज करना मुश्किल हो जाता है. अभी से अपनी आदत डाल दो, अभी से आदत डालो. क्या करोगे, करोगे कि नहीं, विल यू शेयर द लोड 100%?
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जेन वाई के लड़के हैं ना, दे स्टार्टेड बिलीविंग यस वुमेन शुड ऑल्सो वर्क एंड वुमेन शुड हैव जॉब्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली, बट दे ऑल्सो नीड टू नो दैट दे नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली, दे नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड चॉर्स, दे नीड टू शेयर द लोड। मतलब वाइफ का इनकम आना वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप कंट्रीब्यूट करना इतना अच्छा नहीं लगता, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू चेंज द माइंडसेट ऑफ, इज दैट राइट? एंड एब्सोल्युटली, एंड यू नो, एंड आई एम वेरी, अगेन आई सेड, आई एम वेरी प्राउड, आई एम प्रिविलेज्ड, एंड इट्स अ प्लेजर। आई हैव लव्ड ऑल द यू नो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन पुट ऑफ पुट ऑन द एड्स व्हिच आई हैव सीन, दे आर फैंटास्टिक। मैटर ऑफ फैक्ट I watch it again and again. Even when I was leaving my home, Ria and my daughter said, I said, this is a fantastic moment. And Dad, even Sunita, they said, you have to take out time and be part of this moment. So I'm here. Thank you very much. Thank you for inviting me. And thank you all of you all for being there. Okay? Thank you so much. And this school, you know, bahut bachpan maine bahut guzara hai ye school mein. Kamal ka, this whole ground and this whole atmosphere, and look at how fortunate we are today. Look at the breeze, which is, you know, it's so wonderful. It's so wonderful to be here. So what a time and moment, an historic moment to be here to join the movement of Share the Love. There's a small jingle that we have over here with Ariel by your side. Stains have no chance to fight. Mandira, would be great if you can help repeat this. Dip, scrub, check and repeat until the stain removal is complete. Dip, scrub, check and repeat until the stain removal is complete. Say it with me. Dip, scrub, check and repeat until the stain removal is complete. Okay. आप बोलेंगे मेरे साथ डिप डिप स्क्रब चेक एंड रिपीट अंटिल द स्टेन रिमूवल इज कंप्लीट। दे टू बिजी स्क्रबिंग, चलो वी लेट देम डू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रबिंग एज लॉन्ग एज स्क्रबिंग, वाओ वाओ, दैट इज अमेजिंग। अब आई कैन ऑलरेडी सी मेरा जो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मेरा इतना जल्दी नहीं जा रहा और इतने अच्छे से नहीं जा रहा। ओहो हो, so how long should you scrub? You should scrub it until you see the remnants of the stain. इसलिए बोला है ना, लड़के लोग बेटर कपड़े धोएंगे अभी फ्यूचर में। लड़के लोग अभी सब लड़की लोग को मम्मी को बोलेंगे कि देखो, we are better in laundry. So the boys in future, the future generation and the present generation,
is going to be better than and impress their mothers by washing the clothes, and they're going to be better. Husbands, better than the girls. Fathers, yes. And they're going to share the load. Are you going to share? Arey, kya baat hai, yaar? Ekdam. बहुत साफ हो गया. Superb, superb, fantastic. Kya baat hai? देखो, they were paying attention. They 400 boys over here and St. Stanislavsko High School. History has been created by all of you. Not yet. We still have a little more to go. Yeah. Namrata. थोड़े से दो तीन steps और बचे हुए हैं quickly. अब आपने क्या? वो जल्दी जल्दी वो fast forward में करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो students हैं वो थोड़े वहाँ वो थोड़े वो result देख चुके हैं. अरे भैया साफ हो चुका है, अभी आगे बढ़ो. Yes. तो अभी ना थोड़ा सा आपको सोपी फीलिंग फील हो रहा होगा. एक और आपके टेबल पे बाल्टी रखी हुई है, विच इज खाली बाल्टी, जिसमें डिटर्जेंट नहीं है, फ्रेश वाटर वाला बाल्टी है. अब इस सोपीनेस को हमको निकालना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो आपने कपड़ा अभी फ्लैश किया ना, वो साफ पानी वाले बाल्टी में डालिए एंड उसको अच्छे से आप रिंस करिए. ठीक है, बहुत सिंपल. उसको पानी में डालिए, उसको एक बार ऐसे डालिए निकालिए जब तक आपको फील हो जाए कि उसकी सोपीनेस अब जा चुकी है. ठीक है, उसकी सोपीनेस चली गई मतलब कि कपड़ा क्लीन हो चुका है, उसमें से पूरा साबुन All done. निकल चुका है. This chapter is called rinsing, right? Yes. Here we go, rinse. क्या बात है, fantastic, terrific. ठीक है, fabulous. थोड़ा सा ना मुझे पानी. Share the Lord movement कामयाब है. It's a big success. Share the Lord. It's a big success. Hip hop. Hip hop. Cool. फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये तो एक छोटा सा कपड़ा था, फॉर फ्यूचर आप बड़े बड़े कपड़े भी धोएंगे. तो दो स्टेप्स बचे हैं जो मैं फटाफट आपके लिए कंप्लीट कर देती हूँ. सेकेंड लास्ट स्टेप जो है वो है रिंगिंग, जिसे कि हम कहते हैं निचोड़ना. ठीक है, तो अभी पानी ड्रिप होता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसमें से थोड़ा सा पानी टपक रहा है, तो आप कपड़े को निचोड़ सकते हैं. आई नो आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि पूरा दम लगा देंगे, बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी. बट जस्ट वन क्विक पॉइंट ऑफ कॉशन ओवर हियर, कि आप उतना ही निचोड़िए जब तक कि पानी निकल जाए. आप ज्यादा निचोड़ेंगे, ज्यादा ताकत लगाएंगे, कपड़े खराब भी हो सकते हैं. ठीक है, शेप बिगड़ सकता है, उनके अंदर के इंटरनल थ्रेडिंग टूट सकती है. तो कैसे? ऐसे ही. तो अभी बाल्टी है आपके पास रिंसिंग वाली, उसमें थोड़ा सा सर आप यहां से ज्यादा अच्छे से दिखेंगे. ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेसन ऑफिशियली. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.